हाँ गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये शेर बीबी का फ्लाईओवर है, काफ़ी हसीन फ्लाईओवर बन रहा है। और ये एक चीज़ मैं बता दूँ, ये नाले के साथ बन रहा है, मतलब नीचे नाला है और उसके साथ ये फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। चलो अभी अपडेट देते हैं आपको हम डलवास की। तो डलवास में अभी आप देख सकते हैं काफ़ी काम ज़ोरों से चल रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो भी था। इसलिए इसका रीज़न ये था कि भाई जो इस जगह की मिट्टी है वो मिट्टी चलने वाली मिट्टी है, जैसे कि पानी रेड मिट्टी है, रेड सॉइल है, तो ये चलती है। तो गाइस जैसे कि अभी जो ये मशीन है काफ़ी दूर से इन लोगों ने हायर करके लाई, और आप इसका अंदाजे से ही देख सकते हैं कि ये सर ये काफ़ी डीप जाती है। डीप तब जाती है कि जब तब हॉट रॉक ना आए, ताकि हम पिलर बनाएं वो भी ना कल परसों बह जाए। तो गाइस इसीलिए ये पिलर वाली मशीन लाई है, और इसके बीच में काफ़ी जब तक मैंने आपको जैसे बताया अपने वीडियोज़ में कि ये काफ़ी डीप जाती है, जैसे कि ये पिलर आपको दिख रहा होगा, ये फाइनल बन के रेडी हो चुका है, और ये भी इसके भी काफ़ी डीप तक गए होंगे उसके बाद ये बना है। तो गाइस जैसे कि सुबह के बज चुके हैं 7:30, और अभी सुबह का अपडेट लेके फिर से हम आपके पास हाजिर हैं। तो आज का जो अपडेट है आप ऊपर देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम का रीज़न ये आप ऊपर मिट्टी देख रहे हैं भाई, ये सब मिट्टी चलती है, तो दैट्स रीज़न यहाँ पे तभी इसको फोर लाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि अभी आप नीचे देख रहे होंगे कि काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी अच्छे तेज़ी से काम चल रहा है, और आपको मैं पहले ही एक अपडेट बता दूँ कि काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा। ट्रैफिक जाम का रीज़न यही है, जो स्ट्रेच कुछ 100 मीटर्स का एरिया है जिसकी वजह से ये काफ़ी ट्रैफिक जाम लगता है। तो भाई जब ये फोर लाइन का ये ब्रिज बन जाएगा तो ये ट्रैफिक जाम आपको नहीं मिलेगा। दैट्स रीज़न कि जो ये मिट्टी थी इसको काफ़ी बार कटिंग भी की, ये चलने लगी, तो उसके बाद इन्हें यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया। फिर फ्लाईओवर वाला स्टार्ट किया गया, अभी आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का एक पिलर स्टार्ट कर दिया गया है। काफ़ी मेहनत से लोगों ने, कंपनी ने, जो कंपनी काम कर रही है, काफ़ी अच्छा वर्क दिख रहा है, क्योंकि भाई जहाँ पर जो चीज़ कामयाब है वो वहीं पर वही चीज़ कामयाब है। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर मशीनरीज वगैरह सब अवेलेबिलिटी है, लाइट्स जली हैं, एक पिलर रेडी हो चुका है, तो कुछ और बचा है। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे उसके बाद फिर से ये काम जो स्टार्ट हो जाए। ट्रैफिक जाम का रीज़न दूसरा ये भी है, काफ़ी हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी इन द सेंस काफ़ी बड़े व्हीकल है, लॉन्ग व्हीकल है। जो रोड है, रोड बहुत छोटा है, यहाँ पे 22 चक्की गाड़ी आती है, उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम लग जाता है। और ये मिट्टी का जो मैंने आपको बताया था, मिट्टी स्लिप करती है, जैसे गाड़ी कोई चढ़ाएगा वो टायर भी स्किड करता है। तो गाइस जैसे कि ये कंपनी का एक शेड है, कुछ कंपनी के वर्कर पानी पी रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं जो मौसम है वो भी काफ़ी ख़राब है बारिश होने की। अब एक्वा वेदर पे तो देखा था हमने बारिश होगी, लेकिन शाम तक ज़रूर बारिश यहाँ पे भी होगी। तो हम सुबह 6 बजे के यहाँ पे फंसे थे, 6:30 से हम रामबन से निकले थे, लेकिन 8:30 हो रहे हैं तो अभी तक हम यहीं पे फंसे हैं। तो आप गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ट्रैफिक जाम है। तो ये है NH44 नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर का, और जम्मू एंड कश्मीर का एक ज़िला रामबन में एक एरिया पड़ता है डलवास, तो ये डलवास का एरिया है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है काफ़ी स्लो हो रही है, लेकिन चलो आई होप कि हम भी अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे शाम तक। तो ऐसा भी होना चाहिए कि मंजिल तक पहुँचने भी चाहिए। तो कुछ लोगों का एग्ज़ाम भी था जम्मू में, 11 बजे का टाइमिंग थी, तो चलो वो भी भाई हमारे साथी थे पीछे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वेदर भी है, तो इस वेदर का मज़ा लेते हुए हम भी चल रहे हैं। काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स भी, एक वीडियो में शूट करूँगा ट्रक पे, ट्रक ड्राइवर की क्या क्या समस्या आती है, कितना समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है, कितने दिन ट्रैफिक जाम में रहना पड़ता है। चलो वो वीडियो भी मैं अभी प्लान किया है मैंने शूट करने का। तो चलो एक बार ये मिट्टी दिखा दूँ भाई, ये मिट्टी कितनी बेकार है। तो गाइस फाइनली अभी आप देख सकते हो ये डीप कितना जाना पड़ता है। देखिए सर यह दिख रहा होगा कि ये डीप इसलिए जाना पड़ता है कि कब पक्की मिट्टी, और ये जो मशीन है ये आप इसका सर्कल देख रहे हैं, ये डीप तक अंदर तक जाती है। ये देखो आप अंदर जाएगी, और अंदर इसके अंदर जाने के बाद ये चेक करती है कि सॉइल कितने पास है या नहीं। उसके बाद जो ये पिलर बने ये इसी मशीन के थ्रू अंदर जाते हैं, जितनी डीप हो, उसके बाद इसमें मसाला भरा जाता है। तो जब पक्की मशीन आ जाए तो उसके बाद आप देखते, बट कुछ थोड़ा सा स्ट्रेच बचाइए आपको, मैं वीडियो में कम्प्लीट बता रहा हूँ कि इतना सारा स्ट्रेच है, और उसके बाद जब कम्प्लीट हो जाएगा तो हमारा रामबन डलवास का हाईवे क्लियर हो जाएगा। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, लेकिन 8:30 बज रहे, लेकिन वर्कर्स अपने काम पे पहुँच चुके हैं। और ये भी कुछ थोड़ा सा स्ट्रेच बचा है, इसमें पिलर में पानी भर चुका है, ये भी जब खाली होगा तो उसके बाद फिर से इसे वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी देख सकते हैं पानी यहाँ पे कुछ स्ट्रेच में पीड़ा से लेके अपना नाशरी टनल तक रेड मिट्टी है, तो जो वो चलती बहुत मतलब फिसलती मिट्टी, तो दैट्स रीज़न इसी की वजह से जो ये फोर लाइन का काम इतना डिले हुआ।
तो इसके बाद यहाँ पे पिलर बनाने पड़ रहे हैं। अभी पिलर बनाने के बाद ये अभी देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, तो काफ़ी बार यहाँ पे लाइन स्लाइड हो जाती है जिसकी वजह से भी काम काफ़ी डिले हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरिया दिख रही होंगी, काफ़ी बार इन्होंने प्रोसेस किया था तो वो फिर दोबारा से तोड़ के बनाना पड़ता है। कब कहाँ मिट्टी आ गया, अभी ये देख सकते हैं ये रेडी है, जैसे कि अगर ज़्यादा बारिश हो तो पूरा क्लोज हो जाता है, जैसे ऊपर से पूरी मिट्टी इसमें आ जाती भर जाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पिलर बना रहे हैं, तो जो उसके ऊपर स्लैब डालनी है वो भी बन रहा है। बीम कहते हैं हम अपनी, ये बीम रेडी हैं, इसके बाद स्लैब पड़ेंगे उसके बाद सब। तो मैंने यही बताया आपको, अभी काफ़ी टाइम लग सकता है, आप मान के ये चलिए अभी 2 साल मतलब प्रॉपर तरीके से हाईवे बनने में लगेंगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।